मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। शख्स ने यूपी में बनाया महिला का नहाते हुए वीडियो, यौन संबंध बनाने के लिए किया ब्लैकमेल। कानपुर उत्तर प्रदेश में एक महिला ने एक शख्स पर नहाते समय उसका वीडियो बनाकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। बतौर महिला मना करने पर शख्स ने बंदूक की नोक पर उसका रेप भी किया। बतौर रिपोर्टर्स महिला और उसके पति की याचिका पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस शिकायत दर्ज हुई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को शादी करने के लिए दी अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने शेखर नामक हत्या के आरोपी को अपने चचेरे भाई की विधवा से शादी करके अपनी कृषि भूमि उसके नाम पर करने के लिए अंतरिम जमानत दी है। शेखर कथित तौर पर राजेश बवाना गैंग का सदस्य है। वह 25,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतियों के बदले 23 नवंबर को रिहा होगा। वहीं तीसरी ओर महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में एमपी पुलिस ने दो लड़कों को पीटा, करवाई उठक बैठक। मध्य प्रदेश का एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस कर्मियों ने दो लड़कों को पीटा और बीच सड़क उनसे उठक बैठक करवाई। बतौर खबर यह घटना शनिवार को मध्य प्रदेश के देवास शहर में हुई। वीडियो में पुलिस कर्मी आरोपियों को सड़क पर भगाते और उन्हें पीटते दिख रहे हैं। फिलहाल अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।